प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से फिर से परमेश्वर के मधुर और सामर्थी वचन का प्रचार आपके साथ करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर पिता का जिन्होंने आज का सुंदर दिन दिखाया और हमें अभी तक संभाल के रखा। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी का कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया अपने स्पेज आगरा मसीह मंडली पर लाइव आकर परमेश्वर के जलाली और सामर्थी वचन का प्रचार करने के लिए। वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से नहीं खोएंगे। तो आइए सबसे पहले धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना के माध्यम से परमपिता परमेश्वर को अपने धन्यवाद रूपी भेंटों को चढ़ाएंगे, क्योंकि धन्यवाद का ही बलिदान परमेश्वर को क्या करता है, भाता है। तो आइए हम सबसे पहले प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता। आज का सुंदर दिन दिखाया और आपने हमें संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आप हर एक दिल से परमेश्वर आप बात करिए। परमेश्वर आज के समय में जो भी बीमारियों के बिस्तरों में पड़े हैं, जो भी तरह तरह की तकलीफों में फंसे हुए हैं, परमेश्वर आप उन सभी की सारी प्रॉब्लम्स को, सारी बीमारियों को, सारी परेशानियों को दूर करिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर, कि आप उनकी लाइफ को परमेश्वर आशीषों से और ब्लेसिंग से भर दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि परमेश्वर हर एक ब्लेसिंग्स के लिए जो आप हमारी जिंदगियों में देते हैं और करते हैं परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज के समय के लिए, आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ। हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती रहे। आमीन। तो आज का जो वचन है, अब मैं डायरेक्ट वचन में आती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी और लाइव आने में। तो हम डायरेक्टली आज के वचन में आते हैं और जो आज का टॉपिक है वो ये है कि ब्लेसिंग्स हमें समय के साथ मिलती हैं और परमेश्वर ही डिसाइड करता है कि वो हमें किस टाइम पर हमें क्या ब्लेसिंग्स देता है, ये दूसरे लोग डिफाइन नहीं कर सकते। ये आज का टॉपिक है और इसके लिए जो मैंने एग्जाम्पल रखा है वो है हन्ना का एग्जाम्पल। तो आइए हम सबसे पहले शैमवेल, पहला शैमवेल और उसके फर्स्ट बाप को देखते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, एप्रेम के पहाड़ी देश के एक नगर था, वहां पर एक निवासी रहता था, एलकाना एक पुरुष था। वह अप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलिय्याह का पोता और यरोहाम का पुत्र था। तो यहाँ पर एलकाना का जिक्र किया गया है और उसकी दो पत्नी थी, एक का नाम था हन्ना और दूसरी का नाम था पनिन्ना। हन्ना के कोई भी संतान नहीं थी। तो जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आकर ऐसा बोलते हैं कि अभी जो फेज चल रहा है आपकी लाइफ का, इस फेज में ये हो जाना चाहिए था, अभी तक शादी हो जानी चाहिए थी, अभी तक जॉब लग जानी चाहिए थी, अभी तक आप सेटल हो जाने चाहिए थे। ऐसे बहुत सारे लोग आकर बोलते हैं। ये एक लाइक दुनियावी ऑब्जर्वेशन है जो बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि आपकी लाइफ में अब ये चीज हो जानी चाहिए थी, यही सही समय है ये चीज होने का। लेकिन यहाँ पर हन्ना को भी बहुत सारे लोग बोलते होंगे, हन्ना भी सोचती होगी कि अब मेरे भी कोई बच्चा होना चाहिए था, मेरे भी कोई पुत्र होना चाहिए था या पुत्री होनी चाहिए थी, क्योंकि उसकी जो पनिन्ना थी उसके पास क्या थे, उसके पास बच्चे थे। तो हन्ना भी ये सोचती होगी, लोग भी उससे आकर कहते होंगे कि तुम्हारे इस एज तक तुम्हारे बच्चा हो जाना चाहिए था। वो हर टाइम ये चीज सोचती होगी। इसके बाद लिखा है, और पनिन्ना के तो बालक हुए परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। और यहाँ पर हन्ना देखती होगी कि पनिन्ना के बालक हैं और मेरा कोई बालक नहीं है। बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में आकर दूसरे लोगों को आपको एग्जाम्पल देते हैं कि देखो उसकी लाइफ कितनी अच्छे से चल रही है, उसकी लाइफ में हर चीज टाइम से हुई है। तो आई थिंक आपकी लाइफ में भी ये चीज हो जानी चाहिए, अभी तक आपकी शादी हो जानी चाहिए, आपके बच्चे हो जाने चाहिए, आपकी जॉब लग जानी चाहिए, अभी तक आप सेटल हो जाने चाहिए।
लेकिन आपको घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर डिसाइड करता है, परमेश्वर सही समय पर सही चीज हमें देता है, परमेश्वर जानते हैं कि हमें कब किस चीज की जरूरत है, तो वो चीज हमें सही समय पर बोइयां कराते हैं। इसे लिखा है, इसके बाद हम देखते हैं कि वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था, और वहां होपनी और पीनहास नाम एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। और जब वह अलकाना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो अभी यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी हुई थी, क्योंकि यहोवा ने हन्ना की कोख बंद रखी थी, क्योंकि यहोवा जानते थे कि सही समय कब है जब हन्ना को एक पुत्र होगा और कैसे उसकी लाइफ चेंज होगी, ये सब परमेश्वर जानते थे। लेकिन हम मनुष्य क्या है, हम परमेश्वर की जो उसने एक निर्धारित समय किया हुआ है, हम वो नहीं समझ सकते, क्योंकि परमेश्वर की जो प्लानिंग है वो हम अपनी अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि एक सीमित सोच रखती है। लेकिन परमेश्वर क्या है, परमेश्वर असीमित है। वो ऐसे ऐसे काम करना जानता है, वो ऐसी ऐसी चीजें हमारे लिए करता है जो हमारी सोच से परे हैं। इसके बाद क्या होता है कि परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। बहुत बार ऐसे लोग आपकी जिंदगी में भी आएंगे जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे आपको और आपको चढ़ाने का काम करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है, जैसे हन्ना ने रखा। हन्ना किसी के पास नहीं गई, हन्ना को पता था कि अगर वो ब्लेसिंग्स जो कोई नहीं दे सकता, वो कौन दे सकता है, वो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति अलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, और वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। यहाँ पर हन्ना जाती है और वहां पर एली बैठे हुए होते हैं, और हन्ना मंदिर जाती है, परमेश्वर के भवन जाती है, और वहां पर वो बिलक बिलक कर रोने लगती है। अगर हमें परमेश्वर से कुछ ब्लेसिंग्स चाहिए, कुछ ऐसी चीज चाहिए जो हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें दे, तो हमें क्या करना है, हमें जाकर परमेश्वर के भवन में रो रो कर प्रार्थना करनी है। जब हम अपने दिल को खोल करके परमेश्वर के सामने रखते हैं ना, तब परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हाँ और आमीन में आंसर देते हैं। इसके बाद लिखा है, और उसने यह मन्नत मानी कि सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के पुत्र पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिर ना पाऊंगी। यानी वो क्या करती है, एक मन्नत मानती है। हमें क्या पता चलता है कि अगर हम कोई मन्नत मांगे तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। इसके बाद उसके एक पुत्र होता है, और वो क्या करती है, जब एली उसको देखता है तो एली को लगता है कि वो क्या करे हुए है, वो नशा करे हुए है, क्योंकि वो इतना बिलक बिलक कर रो रही थी। शायद लोग उसे देखकर अचंभा कर रहे होंगे, एली को भी लगा कि वो नशा कर कर आई है, लेकिन वो क्या थी, वो अपने परमेश्वर से बात कर रही थी उस टाइम। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम इधर उधर ध्यान देते हैं कि कोई हमें तो नहीं देख रहा है, हम दूसरों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, जब आप भवन जाइए, जब आप परमेश्वर के मंदिर जाइए, तब आपको अपने आप को पूरा खोल करके परमेश्वर के सामने रखना है। आप गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करिए, आप रो कर प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। और अगर कोई भाई या बहन मेरी बात सुन रहा है और उसकी लाइफ में किसी एक ब्लेसिंग्स की कमी है जो वो चाहता है कि वो उसकी लाइफ में हो, तो आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए कि परमेश्वर वो चीज़ आपको सही समय पर देंगे, क्योंकि हमसे बेहतर हमारे लिए क्या अच्छा है ये परमेश्वर ही जानते हैं। वो हर एक चीज़, वो हर एक वस्तु जो हमें जरूरत होती है वो सही समय पर देते हैं, क्योंकि हर चीज जो परमेश्वर की तरफ से आती है वो हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करती है, जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं।
बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, और उन सब लोगों ने पहले क्या किया कि परमेश्वर पर भरोसा किया। जैसे हर बार मैं एग्जाम्पल देती हूँ दाऊद का, हम दाऊद को बहुत सारे एग्जाम्पल्स के तौर पर रिलेट कर सकते हैं कि परमेश्वर ने उसे इतनी ताकत दी थी, इतनी शक्ति दी थी कि जब वो गोलियत के सामने खड़ा था तो उसको डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको पता था कि मेरे साथ कौन है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर पिता है, जो क्या है, जो मुझे इतनी सामर्थ्य देता है। क्योंकि हम बाइबल में लिखते हैं, हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य में सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम परेशानियों में हैं, कष्टों में हैं, तकलीफों में हैं, तो उसकी सामर्थ्य हमारे ऊपर प्रबल होती है। हम ये भी पढ़ते हैं बाइबल में, क्योंकि उसके नाम से जब हम किसी बैटल को लड़ने के लिए जाते हैं तो हम विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब हम परमेश्वर के वचन को अपने साथ रखते हैं। क्योंकि वचन क्या है? दोधारी तलवार है, वो हर तरह से काटता है, हर तरह से छाटता है, वो हमारे अंदर हमारी बुराइयों को काटने का काम करता है। तो अपनी इस तलवार को अपने साथ रखिए हमेशा, और सिर्फ सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करिए, और उन आशीषों के लिए प्रार्थना करिए जो आपके लिए परमेश्वर ने अभी रखी हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने दिल में ये सोच लेते हैं कि अब हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा टाइम चला गया, अब हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम पहले ही होपलेस हो जाते हैं। अगर हन्ना होपलेस हो जाती, हन्ना ये सोचती कि उसे कभी संतान नहीं हो सकती, तो शायद वो परमेश्वर के भवन नहीं जानती, और ना ही वो उस तरीके से प्रार्थना करती और उसको परमेश्वर ब्लेसिंग्स देते। तो आपको देखना ये है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करें और उन ब्लेसिंग्स को लें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है और निर्धारित करी है। इन्हीं इंक्रेजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर एंड करना चाहूँगी, और आशा करती हूँ कि ये सेशन आपके लिए ज़रूर काम करेगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ को इससे रिलेट करके देख सकते हैं। क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स को पाया है जो शायद मुझे लगता था कि अभी ये समय नहीं है उन ब्लेसिंग्स का, लेकिन परमेश्वर ने उन सारी ब्लेसिंग्स को मेरे जीवन में दिया है। और मैं मानती हूँ कि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो उन सब चीज़ों को कर सकता है, वो उन सब ब्लेसिंग्स को ले सकता है जो परमेश्वर उनके लिए रखते हैं, निर्धारित करते हैं। क्योंकि हमें किस पर, हमें ना तो रथों पर भरोसा करना है ना घोड़ों पर, बल्कि किस पर, परमेश्वर पर भरोसा करना है। क्योंकि अगर हम विश्वास से पहाड़ से भी कहेंगे ना, तो वो अपनी जगह से क्या होगा, टल जाएगा, हट जाएगा। ये सब वर्सेस हम पढ़ते हैं, लेकिन जब बात विश्वास पर आती है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हमें अपने विश्वास को कैसा करना, हमें अपने विश्वास को राई के दाने के बराबर करना है, छोटा नहीं बल्कि इतना ज्यादा सॉलिड करना है, मजबूत करना है, कि अगर कोई भी आंधी आए, कोई भी तूफान आए, तो हमारे विश्वास को क्या करे, तोड़ ना पाए, ना ही डगमगा पाए, बल्कि हमारी नजर हमेशा किस पर हो, अपने पिता परमेश्वर पर हो। जैसे हन्ना हन्ना ने रो रो कर प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, और एक आशीष परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में दी, क्योंकि वो सही समय था जब हन्ना के पुत्र होना था। और कैसे शैमवेल बड़ा हुआ, क्या हुआ, ये सब आपने बहुत बार पढ़ा है और बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन मेन चीज जो देखने की है कि हमें अपने लिए, जो लोग हमसे कहते हैं कि ये सही समय है तुम्हारे लिए कि ऐसा होना चाहिए, हमें सिर्फ किस पर भरोसा रखना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जैसे हन्ना ने भरोसा रखा, हन्ना ने प्रार्थना करी, परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी, अपने दिल खोल करके रखा परमेश्वर के सामने। वैसे ही हमें भी करना है, जब हम प्रार्थना करें तब हमें ऐसे प्रार्थना करनी है कि हम सिर्फ अपने परमेश्वर से बात कर रहे हैं। जब हम अपने दिल को खोल कर रखते हैं, जब हम अपनी सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, क्योंकि वो तो स्वर्गीय पिता है। जब सांसारिक पिता हमारी हर एक चीजों को जानते हैं, हर एक इच्छा को पूरा करते हैं, तो स्वर्गीय पिता तो बिना बोले हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और उसके बदले में सिर्फ वो हमसे क्या चाहते हैं कि हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। हम अपने पूरे दिन में से कुछ टाइम निकालें परमेश्वर के लिए ताकि हम बात कर पाएं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानते थे। से पौलुस और सिलास परमेश्वर को अपने जीवन का आधार मानते थे। इतना बड़ा भूकंप आया, जब उनकी रिहाई हुई, जब वो जेल में बंद थे, तब कैसे वो प्रार्थना में लगे हुए थे, और कैसे भूकंप आया और सारे दरवाजे, सारे बंधन जिनमें वो बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे, वो परमेश्वर के नाम से दूर हो गए, खुल गए। वही सारे बंधन अगर आप
प्रार्थना करते हैं, अगर आप परमेश्वर से परेशानियों में सहायता मांगते हैं, तो वो सारे बंधनों को एक प्रार्थना से आप तोड़ सकते हैं। ये सामर्थ्य है प्रार्थना में, जैसे ये सामर्थ्य थी हन्ना की प्रार्थना में कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसे आशीष दी एक पुत्र के रूप में। पर और पौलुस सिलास ने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसके सारे बंधनों को तोड़ दिया। अगर आप किसी ऐसे बंधनों में फंसे हुए हैं तो आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके सारे बंधनों को तोड़ेंगे। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, तो देखिएगा आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। अगर कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो कहीं ना कहीं तरीके से आपके जीवन में आने से रुक जाती हैं, आप हन्ना की तरह प्रार्थना करिए और देखिएगा वो सारी ब्लेसिंग्स सही समय पर आपके जीवन में पूरी होंगी। क्योंकि परमेश्वर जब हमारी प्रेयर्स के आंसर हमें ना तो हाँ में मिलते हैं तो और ना ही ना में मिलते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर हमारे लिए कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। वो चीज़ जो ना तो किसी ने देखी ना तो किसी ने सुनी, हमारे लिए एक अलग गवाही परमेश्वर हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपकी प्रार्थना में आंसर नहीं मिल रहा है तो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें विश्वास तोड़ना नहीं है बल्कि और दृढ़ करते जाना है, ताकि हम उस राह पर जो कि यीशु मसीह हमें दिखाते हैं उस राह पर हम चलते जाएं और हम क्या प्राप्त करें, उस अनंत जीवन को जिसके लिए क्या किया गया है, हम इस धरती पर भेजा गया है, हम उस चीज को क्या करें अपने लिए ले पाएं। तो इन सभी इंक्रेजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर एंड करना चाहूंगी और आशा करती हूँ कि आज का जो भी सेशन था छोटा सा था, लेकिन ये जरूर आपके जीवन में काम करेगा और आप जरूर हन्ना की तरह अपने जीवन में चेंज लाएंगे कि कैसे उसने लोगों की बातों को नहीं सुना। पहले वो इफेक्टेड हुई, लेकिन उसके बाद उसका विश्वास किस पर था, सिर्फ परमेश्वर पर था। हमारा भी विश्वास किस पर होना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हम इस सेशन को एंड करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने इतना अच्छा सुंदर दिन दिखाया और अभी तक संभाल के रखा परमेश्वर। हर एक चीज़ के लिए, हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आगे आने वाले समय को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा निरंतर हमारे जीवन में पूरी होती रहे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर, कि उन्होंने इस पेज को क्रिएट किया परमेश्वर, वो अपना प्रतिफल किसी भी रीति से ना खोए परमेश्वर। आप उनकी ज़िंदगी को ब्लेसिंग से भर दीजिए परमेश्वर। हर एक चीज़ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो इस लाइव सेशन को देखते हैं, जो रिकॉर्डेड सेशन भी देखते हैं, आप उन सबके जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत काम करिए परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन बच्चों के लिए जो तरह तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर, आप उनको हर एग्जाम्स में परमेश्वर सफल कराइए परमेश्वर। हर एक चीज़ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की सबको।